ब्रेडा की ओर से बिहार में गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने की कई कोशिशें की जा रही हैं। इसी के तहत बिहार में ये पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट दरभंगा के एक तालाब में लगा है, कादराबाद स्थित। ये बिजली विभाग का तालाब है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस तालाब में एक तरफ जो पारंपरिक ढंग से मछलियां पाली जाती थीं वो काम भी होता रहेगा, दूसरी तरफ ये जो सोलर प्लांट लगे हैं इस पूरे तालाब में 4004 सोलर प्लांट लगाए गए हैं और तकरीबन 2 मेगावाट बिजली उत्पादन की इसकी क्षमता है। हालांकि कुल क्षमता का 80% इसमें से अभी उत्पादन किया जाएगा और ये अगले 25 साल तक दरभंगा शहर को बिजली देने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये सोलर प्लेट बनने से बिजली इसमें जनरेट होगी और इसकी क्षमता इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2 मेगावाट की है, लेकिन 80% इस जनरेट करेगा तो 1.6 मेगावाट इसमें बिजली जनरेट होगा और ये बिजली जनरेट करके हमारे NBPDCL के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोगों को जो है बिजली मिलेगा। उससे हम उस फीडर में बिजली कंज्यूमर को, अपने जो कंज्यूमर हैं उनको हम जो है बिजली सप्लाई करेंगे, जो 10 तारीख तक ये काम को फाइनल कर देंगे। और बगल में हमारा सब स्टेशन जिसमें कि बिजली हमको यहाँ का दिया जाएगा, वो सब स्टेशन नया GIS बन रहा है, वो भी 15 से 20 दिन के अंदर में हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ही राज्य सरकार का जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जो कि ये पूरा होने जा रहा है। इसकी वजह से एक तरफ तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी तरफ बिजली भी सरप्लस उत्पादन हो सकेगा। और अभी यहाँ पे जो विभाग के अभियंता हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और एक टीम है, उनका ये कहना है कि इसी महीने में 10 तारीख तक ये योजना पूरी हो जाएगी और यहाँ से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, कार्बन उत्सर्जन से जो प्रदूषण होता है उसको रोकने की चर्चा हो रही है, उस क्षेत्र में ये बिहार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है और दरभंगा में ये पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगा है जिसमें मछली पालन भी होगा और साथ ही साथ बिजली का भी उत्पादन होगा। एक तरह से हम कहें तो किसानों का जो रोजी रोजगार है वो भी बढ़ेगा, उस पर भी मार नहीं पड़ेगी और एक तरह से जो बेकार पड़ा ये तालाब था उसमें बिजली का भी उत्पादन हो सकेगा। हम लोग 1.6 मेगावाट का यहाँ पे पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगा रहे हैं जो कि हम NBPDCL के को सप्लाई करेंगे और इसमें हम लोगों ने टोटल 4004 पैनल लगाए हुए हैं और एक पैनल 505 वाट पीक का है। सूरज की एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो कि बिल्कुल ही पॉल्यूशन फ्री है, जो किसी तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो सबसे और प्लस ये हमारा पॉन्ड के ऊपर कोई भी यूजलेस है, जो यहाँ पे हमने यूजलेस लैंड ही यूज़ किया है। तो हम लोगों ने फ्लोटिंग प्लांट लगाया, नीचे जो भी मछलियाँ होंगी उनको कोई नुकसान नहीं होगा, हालांकि हो सकता है कि हमें जो मछली पकड़ने की विधि थी वो चेंज करनी पड़ेगी। ये सोलर जो हमारा लोग का PPA साइन हुआ है 25 ईयर के लिए हुआ है और हम 25 ईयर पूरा हमारा मेंटेनेंस होगा, यहाँ पे हमारी टीम होगी O&M की जो पूरा 24/7 मेंटेनेंस रखेगी। तो दरभंगा में आम तौर पर गर्मियों में 40 से 45 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है और जाड़ों में ये 30 मेगावाट तक घटकर आ जाता है, तो उसमें से ये जो 2 मेगावाट का ये जो योगदान होगा हरित ऊर्जा का, ग्रीन एनर्जी का, ये एक बड़ी पहल कही जा रही है। विजय कुमार श्रीवास्तव, ETV भारत, दरभंगा।